केवल सियासत की नहीं बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। 2009 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था प्रथला विधानसभा का, और जिसमें आपसे चर्चा करने चला हूं वो 2019 के विधानसभा चुनाव का वाकया है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र की एक कहानी भी इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद एक ऊर्जावान नेत्री थी जो शशि बाला, उन्होंने नामांकन किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, टिकट छोड़ दी और अपना नामांकन वापस ले लिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके साथ चर्चा में हूँ किस्सा सियासी है कि एक स्पेशल सीरीज में। और आज आपके साथ चर्चा करूँगा हरियाणा के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के ऐसे सियासी किस्से के बारे में कि जो इतिहास बन गया। 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं प्रथला के अंदर आज तक। 2009 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था प्रथला विधानसभा का, और जिसमें आपसे चर्चा करने चला हूं वो 2019 के विधानसभा चुनाव का वाकया है। राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई भी नेता किसी पार्टी में होता है उसकी लड़ाई होती है कि उसको टिकट मिल जाए। बस टिकट की ऐसी दौड़ होती है कि टिकट की दौड़ में व्यक्ति दूर तक दौड़ता है। जब टिकट नहीं मिलती तो भागी भी होता है, पार्टी छोड़ देता है, लेकिन टिकट के लिए वो सब करता है जो करना चाहिए। राजनीति के अंदर कहा जाता है कि टिकट के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिलने पर कोई नेता छोड़ दे, यानी कि टिकट मिल जाए और उस टिकट को छोड़ दे और वहां पार्टी का प्रत्याशी ना हो, पार्टी की सीट खाली रह जाए, तो वो एक अजब वाकया बन जाता है और एक कहानी बन जाती है जो हमेशा दर्ज हो जाती है इतिहास के पन्नों में। प्रथला विधानसभा क्षेत्र की एक कहानी भी इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद एक ऊर्जावान नेत्री थी जो शशि बाला, उन्होंने नामांकन किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, टिकट छोड़ दी और अपना नामांकन वापस ले लिया। किस्सा कुछ यूं है कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया। 2007 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो उस समय प्रथला विधानसभा क्षेत्र बना। फरीदाबाद और पलवल जिले के कुछ हिस्सों को मिला करके, यानी कि फरीदाबाद का लगभग 2/3 और पलवल का लगभग 1/3 हिस्सा मिलाकर ये रूरल क्षेत्र का महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग स्थित है। 2009 के चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल से प्रत्याशी थी शशि बाला तेवतिया। भनकपुर गाँव उनका पैतृक गाँव है और जिनका शादी के बाद जब विवाह हुआ तो भिड़ूकी में उनकी शादी हुई, लेकिन भनकपुर उनका पैतृक गांव है और भनकपुर प्रथला विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है। शशि बाला तेवतिया काफ़ी ऊर्जावान नेत्री थी, काफ़ी सक्रिय थी राजनीति के अंदर, और 2009 में जब प्रथला विधानसभा के लिए पहला चुनाव हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शशि बाला तेवतिया पर भरोसा जताया और उनको पार्टी का टिकट दिया। शशि बाला चुनाव तो हार गईं लेकिन शशि बाला को वोट अच्छे खासे मिले, 20-22 हज़ार से ज़्यादा वोट उनको मिले और राजनीति के अंदर शशि बाला का नाम जो पहले से ही था वो और बड़ा हो गया। शशि बाला इंडियन नेशनल लोकदल में रहकर राजनीति करती रहीं और एक समय वो आया कि जब इंडियन नेशनल लोकदल परिवार दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ एक हिस्सा था जिसके अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद थे, और दूसरा हिस्सा वो हुआ कि जिसके अंदर जब परिवार टूटा, परिवार बिखरा, तो दूसरे हिस्से में पहुंचे अजय सिंह चौटाला और उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला, जो बड़े चेहरे बने पार्टी के। और जब पार्टी टूटी तो बड़े पैमाने पर पार्टी के नेता जो थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर जननायक जनता पार्टी में गए। यानी कि जब पार्टी बटी तो कार्यकर्ता और नेता भी बटने शुरू हो गए और उसी बंटवारे में शशि बाला तेवतिया पहुँच गई जननायक जनता पार्टी में। और पार्टी के गठन के लगभग 9-10 महीने बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया। प्रथला विधानसभा चुनाव से, क्योंकि शशि बाला पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी और प्रथला विधानसभा के लिए शशि बाला ने एक बार फिर दावेदारी कर दी, चुनाव के लिए दावेदारी कर दी, चुनाव में उनको टिकट भी मिल गया। हालांकि चुनाव के लिए दावेदारी और भी नेता कर रहे थे। जननायक जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों में बलदेव सिंह अलावलपुर भी थे, जननायक जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों में पार्टी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज भी थे,
आपको बताएं कि बलदेव सिंह अलावलपुर भी इंडियन नेशनल लोकदल के समय से सक्रिय रहा करते थे और अरविंद भारद्वाज भी सक्रिय रहा करते थे। बलदेव सिंह अलावलपुर तो इंडियन नेशनल लोकदल को उस समय उन्होंने छोड़ दिया था जब उनकी पार्टी में अनदेखी का आरोप लगा था और पार्टी में अपनी अनदेखी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन बाद में जब जननायक जनता पार्टी बनी तो क्योंकि बलदेव सिंह अलावलपुर अजय सिंह चौटाला के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, वो भी वापस जेजेपी में आ गए। अरविंद भारद्वाज भी इनेलो छोड़कर जेजेपी में आ गए और ये तीनों ही नेता पार्टी की यानी कि जननायक जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार थे। बलदेव सिंह अलावलपुर तो ये तक दावा करते हैं कि उनको इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि वो पहले छोड़ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से जननायक जनता पार्टी में लाया ही इसलिए गया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने उनसे वायदा किया था टिकट देने का। लेकिन टिकट मिला शशि बाला को। शशि बाला ने टिकट लिया, नामांकन भी किया और नामांकन ले भरने के बाद में यानी कि अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद में जब नामांकन वापस लेने की तिथि थी तो उस दिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। खाली रह गई प्रथला विधानसभा जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के बिना, यानी कि जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं रहा। और इधर शशि बाला को टिकट मिला तो नाराजगी स्वाभाविक थी। जिनको टिकट मिला उन्होंने टिकट संभाला नहीं और जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बलदेव सिंह अलावलपुर ने पार्टी छोड़ दी। कृष्ण पाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उनकी एक सभा थी तो उसके अंदर वो शामिल हो गए। कहते हैं अरविंद भारद्वाज ने भी पार्टी छोड़ दी। हालांकि आज अरविंद भारद्वाज जेजेपी में हैं और बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन लोग बताते हैं जो राजनीति के जानकार हैं कि अरविंद भारद्वाज ने भी उस समय पार्टी छोड़ दी। उन्होंने भी बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार भी किया, लेकिन जब चुनाव हो गया, चुनाव का परिणाम आया और ये तय हो गया कि दुष्यंत चौटाला किंग मेकर होंगे, अरविंद भारद्वाज वापस, क्योंकि उन्होंने विधिवत शायद पार्टी नहीं छोड़ी थी, हमारी जो जानकारी वो ये है। लेकिन राजनीतिक लोग बताते हैं कि उस समय अरविंद भारद्वाज भी नाराज हुए थे, पार्टी छोड़ दी थी और वापस जब सरकार में दुष्यंत चौटाला किंग मेकर होने लगे तो पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन ये जरूर है कि जिनको टिकट मिला उन्होंने टिकट संभाला नहीं, बहुत बड़ी बात थी कि आखिर जो प्रथला विधानसभा से पहले चुनाव लड़ चुकी थी, जो लगातार तैयारी कर रही थी, जिनको टिकट मिला यानी कि टिकट मांगा तो ही मिला, और जिनको टिकट मिला पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया ठीक उस समय कि जब जननायक जनता पार्टी के आलाकमान के पास कोई समय भी नहीं था कुछ फैसला कर पाते, जब जननायक जनता पार्टी के आलाकमान के पास ये समय तक नहीं बचा था कि कुछ सोच ले कि किसी और को प्रत्याशी बना दें, क्योंकि समय नहीं था, नामांकन भरने की तिथियां खत्म हो चुकी थी और शशि बाला ने नामांकन वापस ले लिया और खाली रह गई प्रथला विधानसभा की वो सीट जो ग्रामीण बाहुल्य सीट थी जिसमें चौधरी देवीलाल के नाम का अच्छा खासा एक वोटर कैडर है। प्रथला विधानसभा जिसके अंदर जिसके बड़े गांव हैं दोधोला, प्रथला, जहां पर कि चौधरी देवीलाल की से अच्छी रही है, चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता बहुत रहे हैं। लेकिन शशि बाला ने उस समय ही नामांकन भरने के बाद में और जब नामांकन वापस लेने की तिथि आई तो उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया यानी कि अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और पार्टी भी छोड़ दी। आखिर क्या हालात रहे होंगे। हालांकि शशि बाला ने एक बार हमसे जब इस बारे में बात हुई थी तो बताया कि क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माहौल बहुत ख़राब है। शशि बाला कहती थी कि मुझे दिखता ही नहीं था, नॉमिनेशन के लिए जब लोग इकट्ठे करने की बारी आई तो लोग इकट्ठे नहीं हुए, कार्यकर्ता साथ थे नहीं और उनको कहीं यूँ लगा, जो शशि बाला बताती हैं कि उन्हें कहीं यूँ लगा कि माहौल ख़राब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया। लेकिन बड़ी बात है कि जब आपको अगर ऐसा लगता था कि माहौल ख़राब हो सकता है तो फिर आपने टिकट लिया क्यों। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो ऐसा चुनाव निकला कि जिसमें 90 की 90 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, प्रत्याशी उतारे जा रहे थे, लेकिन मात्र इस वजह से ग्रामीण बाहुल्य वो सीट जहाँ पर कि ठीक ठाक वोट लिए जा सकते थे। जीत हार तो बाद की बात होती हैं, लेकिन ये जरूर था कि वहाँ के जो चुनावी समीकरण को प्रभावित किया जा सकता था। लेकिन इस बीच में जननायक जनता पार्टी की वो प्रत्याशी जिसको टिकट मिला उसने अपना नामांकन वापस ले लिया। और बताते हैं कि इस बात की टीस अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को आज तक रहती है। एक बार उन्होंने सभा में भी कहा था, पिछले दिनों भी दुष्यंत चौटाला सभा करने आए थे, हालांकि खुलकर तो नहीं बोले लेकिन ये जरूर बात हुई कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस रही कि उनके प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, और टीस रहती भी है। और ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत ख़राब दौर माना जा सकता है कि जब उसका प्रत्याशी, उसका कैंडिडेट
नॉमिनेशन करने के बाद अपना फॉर्म वापस ले ले। ऐसे वाकये और भी कई हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको ऐसा एक वाकया और भी बताऊंगा कि जब फरीदाबाद लोकसभा से प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था लोकसभा की टिकट मिलने के बाद। लेकिन आज आपसे हमने चर्चा की हरियाणा विधानसभा के उस विधानसभा क्षेत्र की जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण बहुल्य प्रथला विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कि 2019 में नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा शशिबाला तेवतिया जो उनकी प्रत्याशी थी नामांकन वापस लेने पर उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं रहा था। हालांकि जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम तो किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस पार्टी के कार्यकर्ता और चौधरी देवीलाल के जो सिपाही थे, चौधरी देवीलाल के जो कार्यकर्ता थे, जो अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए वो स्थान रिक्त हो गया, खाली हो गया, जहाँ पर उनको भरने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आज के सियासी किस्से में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और नए सियासी किस्से के साथ, किसी और नई सियासी कहानी के साथ, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि कैसे वो कहानी इतिहास का एक हिस्सा बन गई। इस प्रकार के सियासी किस्सों के लिए, सियासी गतिविधियों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।